सो हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम लोग खेलने वाले ग्रैनी। सो ग्रैनी गेम तुम लोगों ने सभी ने खेला है, लेकिन इसका रियल स्टोरी हम लोग जान लेते हैं कैसा है इसका रियल स्टोरी। सो ग्रैनी के घर में टोटल चार लोग थे, जिसमें थे ग्रैनी, सिंड्रेला, सिंड्रेला की मम्मी और पापा। तो सिंड्रेला की मम्मी थे एक डायन जो हमेशा काला जादू करती रहती थी। एक दिन सिंड्रेला को बलि दे दी उसकी मम्मी ने, एंड सिंड्रेला की आत्मा दादी को बहुत ज्यादा पसंद करता था एंड प्यार करता था, इसलिए जाके दादी के शरीर में घुस गए। एंड सिंड्रेला की मम्मी बहुत ही चालू थी, जो दादी को हमेशा जेल में कैद करके रखता था, तो इसीलिए दादी ने बहुत ज्यादा पोजेस हो गई। एंड सिंड्रेला के ऊपर बाहर आने के बाद दादी सिंड्रेला के मम्मी को जाके मार दी। एंड मारने के बाद वो हमेशा उसी घर में रही, लेकिन जब सिंड्रेला के पापा घर में आए तो उसे भी एक बैट मार के उसी घर में छुपा दिया, जहाँ से हम लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। एंड सिंड्रेला के पापा ने भी बहुत ज्यादा ट्राई की, लेकिन उस घर से कभी नहीं निकल पाए। 5 दिन के बाद उसको भी मार दिया गया। तो मारने के बाद उसका लाश एक कमरे में छुपा दिया है, तो तुम लोग भी देख सकते हो लाश वहीं पे, जहाँ पे जब हम लोग बुक रखते हैं तो जो लाश हम लोगों के सामने आता है तो सिंड्रेला के पापा का लाश है। एंड एक दिन क्या हुआ, उसके बाद एक आदमी वहां से गाड़ी लेके जा रहा था, मतलब कार लेके, तो उसका कार वहीं पे खराब हो गया। एंड वो दादी के घर में गए थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए। जैसे हेल्प लेने के पूछा, एंड दादी ने उसे बैट से मारा एंड उसी कमरे में छुपा दिया। जिस कैरेक्टर को हम लोग खेलते हैं वही आदमी है जिसको हम लोग खेलते हैं एंड बाहर ले जाने के लिए ट्राई करते हैं। तो रियल स्टोरी तो तुम लोगों ने देख ही लिया, तो अब चलते हैं गेम की तरफ। तो हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गेम कैसा है एंड हम लोग खेल पाते हैं कि नहीं एंड हम लोग भाग पाते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड देख सकते हो मैं प्ले कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, एंड मैं डार्क को हटा रहा हूँ डार्कर, क्योंकि यार इस गेम को अगर मैं ज़्यादा अंधेरे में खेलूँगा तो देख नहीं पाऊँगा, इसीलिए एक्स्ट्रा लुक्स हो जाते हैं जैसे कि मैं थोड़ा सा देख पाऊँ। उसके बाद एक ईजी मोड की मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि यार हार नॉर्मल में नहीं खेल पाऊँगा, प्रैक्टिस मोड में तो बिल्कुल नहीं यार, वो तो दादी होगा ही नहीं प्रैक्टिस मोड में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्स्ट्रा लुक से, एंड यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय भाई, स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कैसा है गेम। ओके, मैंने कभी के नहीं खेला। ओके, मैंने बस अभी ट्राई कर रहा हूँ, एंड मैंने जस्ट यूट्यूब में वीडियो से देखा है तुम लोगों की जैसा। अब मैं ट्राई करके देखने वाला हूँ गेम कैसा है एंड कितना अच्छा गेम है। डे वन का ऐसे कि लगा यार, मुझे सच में यार डर लग गया डे वन का जो म्यूज़िक है उसी को सुनने के बाद ही। तो हो, मैं उठ चुका हूँ, यही तो था मैं लेटा हुआ। देखो यार, यहीं पे लेटा हुआ था जो मैं हूँ बंदा। मैंने तो तुम लोगों को रियल स्टोरी में बता दिया था क्या है। तो हम लोग चलते हैं, ग्रैनी शायद इस तरफ होगा, तो हम लोग यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोल जा एंड मैं यहाँ से जाके इसे फेंकता हूँ, इधर हटाता हूँ, नहीं तो यार मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा नीचे। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यार नीचे की तरफ सब कुछ होता है। यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है। ओके, मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे भी एक है। ओके, देख लो। एंड यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, हथौड़ा नहीं यार, हथौड़ा नहीं है क्या, विच हैंडल्स। ओ, मुझे पता है इस हैंडल किस काम का आएगा। ओके, तो मुझे पता है। एंड यहाँ पे एक बटन है, तुम अगर कौन आए दादी, यहाँ पे नहीं घुस पाएगी, जितना भी कर ले दादी तू नहीं घुस पाएगी मेरे पास। आई नो, मुझे पता है तू नहीं आ पाएंगी। ओ देखो, मिला वो वाला टेडी। देखो यार, टेडी यहाँ पे है। ओके, टेडी हम लोगों को नहीं चाहिए, बाकी हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ है, देख लेते एक चीज़ क्या है, बैटरी। तो हम लोगों को एक बैटरी मिला है जो हम लोग वहाँ पे दरवाजे में लगा सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, सब सारी चीज़ें ना जाके दादी को जो टेबल है ना डिनर खाने के लिए टेबल जो होता है ना उसमें जाके इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे ऐसे मुझे जो चीज़ चाहिए होगा मैं जल्दी से ले पाऊँगा, दादी से भाग पाऊँगा। एक अच्छी चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा चीज़ मैंने जो सोचा है। तो चलो देखते हैं, दादी साथ आ गई एंड मैं नीचे चलता हूँ। दादी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने यहाँ पे हैं। एंड ऐसे कुछ है क्या, नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है यार सही में। इस गेम में एक ही चीज़ प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा अंधेरा ही मिलता है हर एक ड्रावनी गेम में, मतलब यार भूतिया गेम्स में। और तुम लोगों को तो पता ही है दादी बहुत ही बड़ी भूत है। एंड चलो अब दादी आ जा, मेरी दादी जी, चलो दादी दादी कहाँ पे है तू, जल्दी से आ जा यार, कहाँ पे है? नहीं, आसपास ही होगा, यहीं पर यहीं पर, मैं पैरों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। ओह देखो दादी आ गई, ओह क्या ड्रेस है, मस्त है। एंड आँखें देखो, एकदम आँखें देखो, कौन सा काजल लगाती है आँखों में, बहुत ही मस्त देख सकते हो यार आँखें। एंड उसके साथ साथ अपना कौन सा वाला हेयर कलर लगाती नहीं है दादी, इसीलिए तो सफ़ेद है सारे बालों, देख सकते हो बाल। एंड ओ देखो ये भी उठा दी, एंड यहाँ पे ज़रूर वो कुछ डालने वाली है, देखना हंस रही है यार मेरे बात सुन के, हंस रही है क्या,
सही में हंसना ही पड़ेगा तुझे, मेरी बात तो सुनकर हंस गई, हंस पड़ी। नहीं निकलूंगा अभी, मैं फंसने वाला नहीं हूँ दादी। जब देखा देखा वो घूम के वापस आई, अगर मैं बाहर निकलता तो आके मार देती। एंड इसी इसीलिए तो गेम्स को कोई नहीं खेल पाता, जल्दी करने से ही मर जाते हैं। तो मैं भी ट्राई करूँगा इस एपिसोड में इस गेम को खेल के ख़त्म कर दूँ। देखो अब दादी गई, अब मैं बाहर आ सकता हूँ, अब मैं बाहर आ सकता हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं बाहर आ। क्या ये क्या चीज़ है आई, ये क्या चीज़, मैंने मुझे नहीं पता था। क्या लिखा, पैडलॉक कोड? ओ पैडलॉक कोड होता है, पेंटिंग है टूटा वोटा। एंड आई नीड ए सेफ की, मैं इसे भी हटा दूँ एंड मैं इसके अंदर भी चल जाऊँ, मतलब यार देख लूँ क्या है इसके अंदर भी। एंड ये देखो यहाँ पर एक चीज़ है जो स्पेशल की, भाई स्पेशल की इतना जल्दी मिल गया आप, भाई स्पेशल की इतना जल्दी यार, इतना जल्दी मिल गया पता नहीं था यार। ढूंढने ढूंढने में तो लोगों की फट जाती है, लेकिन मेरे जब मिल गया वो स्पेशल की तो इसमें नहीं लगता वाला, तो कोई काम का नहीं है। स्पेशल की किस पे लगने वाला है? ओ मुझे पता है मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कहाँ पे लगेगा। मैं यहाँ पे फेंकता हूँ स्पेशल की को, मैं बाद में ले लूँगा, अभी तो भागता हूँ, अभी तो मुझे जाना है ऊपर, क्योंकि ऊपर कुछ कीज़ है उसे भी लेना है। चलो दादी कहाँ है तू? ये आवाज़ जो होता है ना भाई, इसमें है क्या चीज़ यहाँ पे? कुछ है नहीं, बेकार में आवाज़ होता रहता है यहाँ पे। लिखा है पार्ट ऑफ शॉट गन, भाई इसे ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मीट का टुकड़ा भी है, बाद में लेऊँगा। ओके जो दादी का जो पालतू मकड़ी है ना उसको भी खिलाना है, नहीं तो यार मुझे मार देगी वो, मार देगा। सो चलो यहाँ पे भी कुछ गिरा हुआ है जो चमक रहा है, तुम लोग दूर से देख सकते हो यार, कुछ चमक रहा है। ओ स्पेशल की है, ओके दादी। हम भी दादी को डराएंगे, एक दिन आएगा हम भी डराएंगे दादी को, एक दिन आएगा जरूर आएगा, हम लोग उसी दिन दादी को बहुत ज़्यादा डराएंगे। लेकिन अब तो खेलते हैं। चलो यहाँ पे पार्ट ऑफ द शॉट गन। ओ नहीं 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 दादी आ जाएगी, दादी आ जाएगी। अरे मैं यहाँ पे छुपता हूँ, दादी आएगी दौड़ते दौड़ते, क्योंकि उसका कार गड्डी हम लोग हाथ दिए ना, तो इसका गड्डी है भाई, हाथ मत लगाओ कोई भी। वो देखो आ गई दादी, पता था ना आ जाएगी, एकदम एकदम छोटा सा आवाज़ होता है ना तो भाई दादी आ जाती है कहीं से भी, उसको पता नहीं यार कैसे सुनाई देते हैं उतना दूर तक। मुझे तो लगता था यार बैरी होगी, हंस रही, देखा मैंने बैरी कहा तब भी हंस रही है। हाँ तू बैरी है, बैरी है तू, बैरी मतलब बैरी जो भी हो, मतलब जो भी हो यार, भाग तेरी भाग गया। हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग यहाँ से चल देंगे, यहाँ से चलेंगे। भाग गए अपन को, नहीं लगता यार वो भागी है, मतलब ऊपर ही है। ओके मतलब वो ऊपर ही है, तो मैं यहाँ पे कुछ फेंकता हूँ जैसे कि वो जैसे कि मैं वहाँ से भागता हूँ, एक ही काम करता हूँ मैं, वहाँ से भाग के दादी से पहले उस घर में ऊपर चलता हूँ। दादी तो बूढ़ी है नहीं जा पाएंगी कम मत समझो यार, चली जाती है कभी भी ऊपर चली जाती है यार, जब भी तुम सोचोगे ना दादी नहीं आ पाएगी इतना जल्दी, एंड देखना तभी दादी तुम्हारे सामने होगी ऐसे करके, हा, मैं आ गई तेरे पास। तो भाई बहुत ज़्यादा गंदा लगता है तब। एक और दौड़, नहीं यार ये तो वो चीज़ है, मैं इसको बंद कर दूँ तो दादी नहीं देख पाएगी ना मुझे, हाँ ये वही चीज़ है जहाँ पे मुझे दादी नहीं देख पाएगी। तो मैं नहीं 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 ऊपर दादी यहाँ पे ही है, दादी तू नहीं गई क्या? अपन को माफ़ कर दे, अपन को गलती हो गया है, अपन को माफ़ कर दे दादी। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से फिर से, दादी क्योंकि ऊपर है मेरे पीछे आ रही दौड़ते दौड़ते, भागी भागी आएगी। सो भागी भागी आती रहे, मैं भागता रहूँ। हाँ मुझे पता है तू हंस रही है, लो मैं यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी नहीं ढूंढ पाऊँगा, मुझे भागना होगा यहाँ से, भागते हैं हम लोग। वो वाला उस सीन जहाँ पे हम लोग आए ना, यहाँ पे दादी आएगी ना, हम लोग यहाँ से भागेंगे। देखा यहाँ पे भी रास्ते हैं भाई, रास्ते कहाँ कहाँ नहीं बनाया है दादी ने, पता नहीं यार कैसे बनाई है अपने रास्ते भी ऐसे। हाँ सुपर नेचुरल पावर है ना दादू के, दादी के पास
इसीलिए सुन पाती है इतना दूर से भी अपनी आवाज़, पैरों की आवाज़, कोई छोटा सा चीज़ गिर जाए उसकी भी आवाज़। दादी देखो, दादी आ रही है यहीं कहीं। मैं फिर से भागता हूँ, अपन भागेगा क्योंकि दादी को यहाँ पे बुलाना है ना। तो रुक रुक, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ फेंकता हूँ, दादी यहाँ पे आई तो मैं वहाँ से जाके काम कर लूँगा अपना। भागो भागो यार, दादी आ रही है, दादी शायद आ गई पीछे। हाँ नहीं, ये देखते हैं, दादी आएगी तभी हम लोग जाएंगे ना, नहीं तो अगर ओ आ गए, चलो अब बाहर चलते हैं, अब इजीली जा पाएंगे। और दादी तू यहीं पे रहा, ओके हम लोग भाग के खाते हैं, पुचका खा के आते हैं। सो चलो हम लोग बाहर चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है भाई। इतना मुश्किल है यार दादी का गेम्स खेलना। ओ देखो कितनी चालू है यार, ट्रैप यहाँ पे लगा के गई है, जैसे कि मैं बाहर जाऊँ ना तो कैच कर ले वो। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ही चालू है, बहुत ही चालू है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा के रखती है। यहाँ पे क्या है, रेंज, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करके देखूंगा। वो देखो आ गई, मुझे पता था वो आ जाएगी एंड हमेशा आ जाती है। कुछ मैंने गिरा दिया, ओके यहाँ पे जाके छुप जाता हूँ क्योंकि दादी यहीं पर आई है, दौड़ते दौड़ते आके देखिए मुझे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन लेकिन जो भी हो यार, दादी छोटे वाले घर में नहीं जा पाती, मैं कहीं नहीं बताऊंगा तुझे, कभी नहीं बताऊंगा, मैं छोटे वाले घर में हूँ तुझे नहीं बताऊंगा, आके मुझे कैच कर ले, मतलब पकड़ ले जो भी हो। सो यहाँ पे जो उस हैंडल से मुझे तुम्हें पता है ना, वो वाला छोटा वाला खिलौने वाले घर में लगेगा, ये वाला हैंडल तो इजीली लगा सकता हूँ मैं, लेकिन ये रेंज का क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता यार रेंज का होगा क्या, तो ट्राई करके देखेंगे बाद में रेंज का क्या हो सकता है, लेकिन अभी तो हम लोग गेम में स्टार्ट। ओ चलो दादी नहीं आ पा, नहीं आई एंड मैं देखना आता था ये इसमें क्या है भाई, इसमें क्या रखा है इसने। ठीक है, आई नीड ए वेपन की भाई, वेपन है यहाँ पे ना वो, यहाँ अभी मुझे याद आया एंड यहाँ पे मिल जाए भाई वेपन की, वेपन्स की दादी को मारने के लिए, वो जो होता है ना 1 मिनट के लिए दादी उल्टी पैर पड़ी रहेगी, वही वाला चीज़, 1 मिनट के लिए दादी एकदम कुछ नहीं यार, मतलब यार जैसे कि लोग हो जाते हैं ना एकदम 1 मिनट के लिए होश नहीं जाएगी दादी का, एंड तभी मैं कुछ ढूंढ पाऊंगा। तो भाई ये रेंज का करूँ क्या, मुझे ये चीज़ पर नहीं पता चल रहा है रेंज का करना क्या है एंड मैं यहाँ पे। ओ देखा दादी ने ट्रैप रखा था, ओ वाह सही में यार दादी ने क्या है पकड़ लिया, बहुत डर गया था सही में। डे टू, हम लोग डे टू को देखते हैं क्या होता है। ले उठ जा, इतना भी जोर का नहीं पड़ा होगा यार, शायद हो भी सकता है यार जोर का लगा भी होगा, तो चलो देखा है आई लीव टू एंड मैंने जहाँ। ओ नहीं यार मैं क्या 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 क्लिक कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे कुछ रखा होगा, दादी तो इतना ज़्यादा भोली तो नहीं है जी, कुछ रख के चला जाएगा। मैंने फेंक दिया, दादी आएगी दौड़ते दौड़ते, मैं यहाँ पे घुसता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, दादी आ जा एंड आ जा, 1 2 3 दादी आ गई। देखा दरवाज़ा खुला एंड उधर गया, मैं भागा 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 तेरी भागा, अपुन भागता है, अपुन भागेगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा आने वाला, किसी के हाथ में भी नहीं आने वाला, भागेंगे अपुन भागेंगे यार, यहाँ से छोटे वाले घर में चलते हैं यार। हंसी इतना ज़्यादा हंसती है ना भाई, बहुत ज़्यादा डर लगती है, मतलब यार लगता है यार बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कभी कभी। तुम लोग खेलो यार, मस्त मज़ा आता है गेम में एंड मैं बाहर जाता हूँ। जो भाई डरते हो भूतिया गेम से मत खेलना, ओके मैं सजेस्ट नहीं करता यार, पता नहीं क्या हो जाए। इसमें तो कुछ नहीं रखा है दादी ने, सब कुछ उठा के ले गई है एंड यहाँ पे देखती। ओ भाई कटिंग फ्लैग, सो एक चीज़ मुझे कहाँ पे मिलेगा क्या काटने के लिए है,
मुझे ढूंढना होगा कौन सा चीज़ मुझे काटने के लिए चीज़ यूज़ करना होगा। कटिंग फ्लैग, कटिंग फ्लैग, कटिंग। ओ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है लेकिन खेल नहीं पा रहा। यही एक चीज़ गलती है यार गेम में। दादी हर बार पकड़ लेगी तो भाई कैसे चलेगा, गेम को खेलूंगा कैसे। मुझे काटना है क्योंकि दादी के ऊपर वाले घर में जाना होगा जहाँ से वो दादी दादी के जो शायद पीछे है, आई थिंक वो पीछे है। तो वो एक और है और मैंने रेंज फेंक दिया था यहीं पे ना, तब मुझे दादी ने मार दिया था। लो एक और, हाँ क्या यार, ओह दरी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि यार मैं दादी के घर से नहीं निकल पा रहा, डे 3 हो गया एंड बाकी के गेम हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यार गेम्स को देखने के लिए एंड